पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, हमने पहले क्या किया था, सीरीज रेजोनेंस, हमने एल सी आर को किस में लगाया, सीरीज में, और रेजोनेंस की कंडीशन पे ये डिस्कस किया कि रेजोनेंस की कंडीशन है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ऐसे मौके पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम, इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम, यही बात हुई थी। वो कहता है एक काम करो, अब सीरीज को छोड़ो, पैरेलल में लगाओ, एल और सी को पैरेलल में लगा दो, आर मत लेना, ओनली एल और सी। तो तुम एक एल लो, एक सी लो, इसको पैरेलल में लगाओ और ए सी की सप्लाई कर दो। अब ए सी की सप्लाई कांस्टेंट, मतलब क्या रखना, ए सी की सप्लाई रखना ई, लिख लो यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ए सी की सप्लाई हमने स्टैंडर्ड वही रखी जो हर में रखते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यही ई एम एफ इसको मिल रही है, यही ई एम एफ इसको भी मिल रही है, दोनों को सेम मिल रही है, सही है यहाँ तक। लेकिन करंट दोनों में सेम नहीं होंगे, हमने डिस्कस किया था इंडक्टर में करंट और टोटल करंट आई क्या होगा, जो यहाँ से आई करंट जाएगा कुछ इंडक्टर में जाएगा, कुछ कैपेसिटर में जाएगा, और टोटल करंट क्या होगा, इंडक्टर कैपेसिटर के इक्वल होगा। तो इंडक्टर में जब करंट होता है वो ई एम एफ से पीछे होता है बैन एंगल ऑफ पाई बाई टू, और कैपेसिटर में जो करंट होता है वो आगे होता है बैन एंगल ऑफ पाई बाई टू, समझ रहे हो, साइन ओमेगा टी लिख नहीं सकते, इंडक्टर में करंट पीछे कर दिया, कैपेसिटर में आगे कर दिया, और यहाँ पर आना चाहिए था आई नॉट। अब इंडक्टर में मैक्सिमम करंट क्या होगा, ई नॉट बाई एक्सएल, इंडक्टर की रेजिस्टेंस ही एक्सएल है, कैपेसिटर में आई नॉट क्या होगा, ई नॉट बाई एक्स सी, सही है, इक्वेशन क्लियर है। तो एक इक्वेशन किसके लिए बना दी, इंडक्टर के लिए, एक इक्वेशन किसके लिए बना दी, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर में करंट पीछे है और कैपेसिटर में करंट आगे है। अब मैथ्स का रिजल्ट है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मेडिकल वालों लोगों के लिए माइनस कॉस ओमेगा टी, और मैथ्स में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये टर्म करने के बाद ई नॉट कॉस ओमेगा टी बाहर आ गया और अंदर आपके पास बस ये बच गया, प्रूफ नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्रूफ नहीं आता, तो ये बच गया। अब मान लो आपने फ्रिक्वेंसी सर्किट में ऐसे रखी कि रेजोनेंस के इक्वल है, अब रेजोनेंस वर्ड बोलते ही आपके माइंड में क्या आया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, और जैसे ही मैंने रेजोनेंस वर्ड यूज किया, एक्सएल एक्स सी के इक्वल अपने मन में इक्वेट किया, ये टर्म कैंसिल हो गई और आई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, आई जीरो हो गया। रेजोनेंस पे करंट पैरेलल में पास नहीं करेगा, जबकि सीरीज के अंदर क्या था, करंट मैक्सिमम था, पैरेलल में करंट मिनिमम होता है रेजोनेंस पे। तो ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ये आता है ग्राफ प्लॉट करो पैरेलल एल और सी में करंट और फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या आएगा, जीरो, जबकि सीरीज रेजोनेंस के अंदर ये ग्राफ क्या आता था, मैक्सिमम, उल्टा ग्राफ बन जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो बस यही रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्टिव कि पैरेलल के अंदर करंट रेजोनेंस पे क्या होगा, एल और सी में जीरो, और सीरीज में क्या होगा, मैक्सिमम। इसका प्रूफ आए ना आए, बस ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए।